आप पंचायत चुनाव में दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। और आपका नाम? मेरा नाम रिंकी कुमार है। आप पंचायत चुनाव में किस पद पे हैं? मैं पंचायत चुनाव के मुखिया पद पे हूँ। आप पंचायत का नाम? पंचायत का नाम? मेरे पंचायत का नाम नूरपुर है। मैं नूरपुर पंचायत से बिलोंग करती हूँ। आप अपने पंचायत की जनताओं को क्या सब संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो मुझे बढ़ चढ़ करके वोट दे और अपने पंचायत के रूप में मुझे मुखिया पद पर चुने। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा पंचायत मेरे लिए परिवार है। मैं एक बेटी की तरह इस पंचायत में मुखिया पद पे अगर मैं खड़ी उतरी तो काम करूँगी। दो कदम अगर निकलते हैं तो सही से सड़क भी नहीं बनी हुई है, तो फिर क्या बताऊं। मैं अगर मुखिया बनूंगी तो सबसे ज्यादा मैं यही सब काम करूंगी। अच्छा, आपकी पंचायत की सबसे बड़ी कमी क्या है? मेरी पंचायत की यही कमी है कि अभी तक नल जल की योजना घर तक नहीं पहुंची है। मेरे इस पंचायत में बहुत सी ऐसे घर हैं जो गरीब घर है, जो भी इंदिरा आवास उन्हें नहीं मिला है। और बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अभी भी लाइट, जैसे कि सड़क पर लाइट की भी बहुत व्यवस्था खराब है। मैं चाहूंगी कि मुखिया अगर बन जाऊं तो ये सब योजना अपने जनता में पहुंचाऊंगी। अपने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगार युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर मैं मुखिया पद पर विजय पाती हूँ तो बेरोजगार मैं पंचायत से हटाने की पूरी कोशिश करूंगी। जितने भी मेरे युवा लोग हैं मेरे पंचायत में, मैं उन्हें बेरोजगार देने की पूरी कोशिश करूंगी। छात्र छात्राओं के लिए? छात्र छात्राओं के लिए भी मैं यही कहूंगी कि जैसे उनके शिक्षा, मतलब कोई भी ऐसे शिक्षा से वंचित है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें शिक्षा पूरी भरपूर मिले और वो आगे बढ़े मेरे पंचायत में और हम लोग का नाम रोशन करे। और आपकी पंचायत की महिलाओं के लिए क्या संदेश है? मेरी पंचायत की महिलाओं के लिए यही संदेश है कि जैसे उनको भी कोई भी कष्ट या परेशानी हो, जैसे कि आप देख लेते हैं प्रसव पीड़ा के समय अगर हमारे एम्बुलेंस ना रहने के कारण बहुत सी ऐसी महिला होती है जिनको तकलीफ होती है एम्बुलेंस ना होने के कारण, तो मैं यही चाहूंगी कि अपने वार्ड में ही, अपने पंचायत में ही 3-4 एम्बुलेंस की व्यवस्था तो जरूर करूंगी, ताकि मेरी महिला माँ को कुछ तरह की प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत जनता सब के लिए क्या सब करेंगे? मैं अगर जीत जाती हूँ तो अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करूंगी। जैसे कि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं गरीब, फिर मैं ज्यादा फोकस अपने जनता के गरीब घर के लिए ज्यादा फोकस करूंगी कि मेरे गरीब जितने भी पंचायत में लोग हैं उनके पास जितनी जल्दी हो सके, मैं मुखिया अगर बन जाती हूँ तो मेरे पंचायत में सरकार की योजना वहाँ तक पहुँचे। जैसे कि नल जल की योजना हो गई और हमारी सड़क योजना हो गई, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास की योजना हो गई, ये सब चीज पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी अगर जीत जाती हूँ तो। आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम छोटू राउत हुआ। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हुए? मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूँ।